हेलो फ्रेंड्स, मैं सारिका जगताप, मैजिक ब्यूटी इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम देखने जा रहे हैं लॉरियल का इबोनी ब्लैक कलर, वो भी देखिए आप हाइलाइट्स हेयर पे। यह है मेरे क्लाइंट के पहले के हाइलाइट्स बाल, अब इन्हें ये बाल ब्लैक करने हैं। तो हम चार सेक्शन में इनके हेयर डिवाइड कर लेंगे, फिर छोटे छोटे सेक्शन लेके हम उसे कलर एप्लीकेशन करेंगे। ऐसे छोटे छोटे सेक्शन लेके कलर एप्लीकेशन करने, इनके बाल बहुत ही हाइलाइट्स है और उन्हें अब ये हाइलाइट्स बाल नहीं चाहिए, उन्हें उनका नेचुरल ब्लैक कलर चाहिए, इसलिए वो ब्लैक कलर पसंद किया है इन्होंने। ऐसे छोटे छोटे सेक्शन लेके उसे हेयर कलर लगा के नीचे से अच्छी तरह से कॉम करने का, उससे क्या होता है जो एक्सेस प्रोडक्ट्स है वो पूरे बालों पे लगता है। देखिए इनके हाइलाइट्स बाल कैसे दिखते हैं और उसके बाद ये अब कैसे दिखेंगे। छोटे छोटे और बहुत पतले सेक्शन लेने हैं हमें इसके। और उनके कई बाल सफ़ेद भी है तो वो भी काले हो जाएंगे। ऐसे ही छोटे और क्लीन सेक्शन लेके हमें उस बालों पे कलर एप्लीकेशन करना है। आप देख ही रहे हैं इनके कितने बाल हाइलाइट्स हैं। और उनके बाल सफ़ेद भी हैं तो अब ये पूरे ब्लैक में हो जाएंगे। पूरे बालों पे हमें ये कलर एप्लीकेशन करना है। ऐसे छोटे और पतले सेक्शन लेने हैं हमें और नीट कॉम करने का, इससे एक्सेस प्रोडक्ट्स पूरे बालों पे लगता है। आपको क्या लगता है इनके हाइलाइट्स बाल पूरे तरह काले हो जाएंगे? देखिए अब आप ही देखिए होते या नहीं। अब 20 मिनट हम इसे छोड़ेंगे और फिर हेयर वॉश करेंगे। हेयर वॉश के बाद फिर देखेंगे हम इनके बालों का कलर। शैम्पू लगाने का, फिर ड्रायर से ड्राई करने का। देखिए इनके हाईलाइट का कलर कहीं पर भी नहीं रहा, पूरे बाल काले हो गए। आप ही देख सकते हैं ये अंतिम रिजल्ट। इसी तरह हो गया एक।